आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं और उनकी हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी। और अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन को मिला के हमने कोई नया फंक्शन बनाया है तो उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, इसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज या रूल्स सीखे थे कि एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो उसी को ही अब अप्लाई करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर भाई साहब आपने पिछला वीडियो भी नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, बिकॉज उसी का कंटिन्यूएशन है, यही उसी का कंटिन्यूएशन वाला लेक्चर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शंस के। तो पहले ऊपर लिख लो, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अब पहला फंक्शन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट टू इंटू एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है। दूसरा भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट टू इंटू एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, ये है। चलो इसको देखते हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा सीखा था कि अगर हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड टी है, तो अगर एफ ऑफ ए इंटू एक्स प्लस बी भी सीखा था, ए एक्स प्लस बी, बी तो इसमें है ही नहीं, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, टी अपॉन मॉड ए होता है। तो इस केस में इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, इसका साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड तो कितना होता है, टू पाई डिवाइड बाय रूट टू, ये बनेगा। यानी कि जो इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू रूट टू इंटू पाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए ये दो स्टेप्स का ही है बस। समझ में आया सभी को, सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर एप्लीकेबल है, उम्मीद है ये तो आप ओरली कर लोगे वैसे। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड तो कितना होता है, वन। तो अब इसको रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या आ जाएगा, फंडामेंटल पीरियड वन अपॉन रूट टू, ये इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया। सिंपल, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड, इसका फंडामेंटल पीरियड बताना है। नेक्स्ट भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का मॉड, अब दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं। चलो पहले ये मैं बताता हूँ, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना, फिर ओरली हो जाएगा वो। तो साइन एक्स का मॉड है, हमें क्या देखना है कि इसका ग्राफ कितने इंटरवल के बाद में रिपीट होता है। तो इसका ग्राफ तो भाई सभी को आता ही है, बता रखा है पहले। साइन एक्स का मॉड बनाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये जीरो, ये कितना पाई, ये टू पाई, ये थ्री पाई, सिमिलरली यहाँ माइनस पाई, यहाँ माइनस टू पाई, एंड सो ऑन। तो इसका ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, पाई के बाद में, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया। समझ में आया सभी को। अब कॉस एक्स का तो सिमिलर टाइप का ही है, ये तो अब उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा, ओरली कर लिया होगा। कॉस वाला देखो, जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू वन होती है, ये ऐसे आता है, ठीक है, इधर से ये इस टाइप का। अब ये कितना है, पाई बाय टू, यहाँ पर बीच में आता है पाई, यहाँ थ्री पाई बाय टू, यहाँ टू पाई, फिर आगे फाइव पाई बाय टू, एंड सो ऑन। यहाँ पे माइनस पाई बाय टू, यहाँ पे माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, एंड सो ऑन, ये माइनस का टू पाई आ गया। अब देखो इसमें भी अगर आप ये देखो कि इसका ये एक लूप कितने का है, भाई आप कल बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप जीरो से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, जीरो से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो पे देखो ये आया, यहाँ पे वन से आ रहा है ये, ठीक है, ये वन है वैल्यू, ये आया फिर यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद में फिर ऐसा ही आ गया ये यहाँ तक, उसके बाद में फिर ऐसा ही आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब इसका भी फंडामेंटल पीरियड कितना है, इसका भी फंडामेंटल पीरियड पाई है। बट जैसे कल बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप जीरो से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो। आपने यहाँ से स्टार्ट किया पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू तक, ये कितने का इंटरवल है, ये पाई का इंटरवल है ना, उसके बाद फिर पाई का इंटरवल, ये कितना आ गया, ये वाला कौन सा वैल्यू है, ये फाइव पाई बाय, ये भी पाई का इंटरवल पे। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पाई का इंटरवल है, ये भी पाई का इंटरवल है, एंड सो ऑन। तो मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड भी कितना है, इसका फंडामेंटल पीरियड भी पाई है। बात समझ में आई सबको। अब एक सिमिलर टाइप का और देता हूं मैं, ये आपको अपने आप दिमाग लगाना है, पहले आप दिमाग लगाना एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड बताना है। एक मिनट का आपको मैं टाइम देता हूं, पहले खुद सोचो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, करो।
हाँ जी कर लिया, क्या आंसर आ रहा है पाई? देखो इसका फंडामेंटल पीरियड अभी निकाला पाई, इसका फंडामेंटल पीरियड अभी निकाला पाई। अब हमने कल प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, इसका फंडामेंटल पीरियड टी वन है, दूसरे का टी टू है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो उनका एलसीएम निकाल करके हम ओवरऑल फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। तो अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम तो कितना आ जाएगा, पाई आएगा, तो यानी कि इसका पीरियड कितना हुआ, पाई। अब आती है जो कल सीखी थी पिछले लेक्चर में, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी याद करो, अगर याद नहीं है पीछे नोट्स देख लो, ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लो अगर नोट्स ही नहीं बना रखे हैं तो। उसमें क्या सीखा था हमने कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस विद फंडामेंटल पीरियड्स टी वन एंड टी टू रिस्पेक्टिवली, देन द फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, टू पीरियोडिक फंक्शंस विद फंडामेंटल पीरियड्स टी वन एंड टी टू रिस्पेक्टिवली, देन द फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स विल ऑल्सो बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इक्वल टू एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू प्रोवाइडेड एलसीएम एग्जिस्ट्स, बट दैट नीड नॉट नेसेसरिली बी द फंडामेंटल पीरियड, बट दैट नीड नॉट नेसेसरिली बी द फंडामेंटल पीरियड। और कल ये कहा था कि ये वाली जो बात है कि बट दैट नीड नॉट नेसेसरिली बी द फंडामेंटल पीरियड, ये क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा मैं आपको, तो वही है अभी। अब देखो पाई इसका पीरियड तो है, ठीक है, लेकिन क्या ये इसका फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है अभी पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करना पड़ेगा, पहली बात तो देखो जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड टू पाई है, फोर पाई भी है, सिक्स पाई भी है, एट पाई भी है, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिसके बाद वो रिपीट होता है वो कितना है, टू पाई, तो मतलब उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। अब इसका पीरियड तो पाई है लेकिन फंडामेंटल पीरियड पाई है या नहीं है ये चेक करना है। अब देखो जब भी आप एलसीएम से निकालते हो ना, जब भी हमने एलसीएम से कभी किसी फंक्शन का पीरियड निकाला तो प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि दैट नीड नॉट नेसेसरिली बी द फंडामेंटल पीरियड, मतलब जरूरी नहीं है वो हो, उससे छोटा भी हो सकता है, ये पीरियड तो है, इसका आधा कर दे, जैसे साइन एक्स का 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे इसके पीरियड हैं, 8 पाई, लेकिन स्मॉलेस्ट ये है। अब हमारे पास आ गया कि इसका पीरियड तो पाई है लेकिन क्या इससे स्मॉल भी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी कि आपको करना क्या है, आपको इसका आधा पाई बाय 2, अगर इस पे भी रिपीट हो रहा है फिर उससे आधे पाई बाय 3, पाई बाय 4, यानी कि इस तरीके से हमारे को चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे, पहली बात तो ये देखो कि अगर हम कोई फंक्शन पीरियोडिक हो तो होता क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि पाई इसका पीरियड है, हमें ये चेक करना है कि क्या इससे छोटा भी कोई उसका पीरियड है या नहीं है, ठीक है, पीरियड तो है, फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है। तो आप क्या करो, अभी उसका तरीका सीख रहे हैं, ठीक है, अभी इसको दूसरा मेथड ग्राफ से भी सीखेंगे, दो मेथड से सीखेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के बाद तो हमारे को मालूम पड़ेगा कि पाई के बाद तो रिपीट होता ही होता है, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ कैसे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करके देखो तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई ये बनेगा, ठीक है, ये वैसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इस स्टेप की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये पीरियोडिक तो है और इसका पीरियड तो पाई है ही, ठीक है, चाहो तो इस स्टेप को ना भी लिखोगे कोई समस्या नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, ये पीरियड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्रॉपर्टी से डायरेक्ट एलसीएम से। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस साइन एक्स का अगर आप मॉड करोगे तो चाहे साइन एक्स का मॉड करो चाहे माइनस साइन एक्स का मॉड करो वैल्यू तो सेम ही निकल के आएगी भाई, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स है, अब कॉस ऑफ एक्स पाई प्लस एक्स भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा यानी माइनस कॉस एक्स, उसका भी अगर हमने मॉड किया तो चाहे आपने कॉस एक्स का मॉड किया चाहे माइनस कॉस एक्स का मॉड किया वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। तो मतलब इस पे और इस पे ये क्या, ये और ये सेम ही चीज़ है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज सेम एज एफ एक्स। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि नहीं मॉड तो पॉजिटिव साइन से खुलेगा या नेगेटिव साइन से खुलेगा, ये तो पता ही नहीं अभी, वो तो डिपेंड करेगा अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात सही है भाई, मॉड हम खोल कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मॉड की वैल्यू देख रहे हैं, हम तो इस फंक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, मॉड खोलने की बात ही नहीं है भाई। क्या ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, कुछ भी लेके देख लो आप, एक्स को आप कोई भी एंगल लेके देख लो, आपने एक्स को पाई बाय 4 लिया, आपने एक्स को 3 पाई बाय 4 लिया, आपने एक्स को कुछ भी मतलब 210 डिग्री लिया, कुछ भी लेके देख लो, इस पे और इस पे वैल्यू सेम ही निकल के आएगी क्योंकि मॉड लगा दिया।
बात समझ में आई? तो मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक तो है और इसका पीरियड पाई आ रहा है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी से सीख चुके हैं कि एलसीएम से निकाल लो पीरियड निकल जाएगा। बट उसी प्रॉपर्टी में एक पेंच क्या था कि दैट नीड नॉट नेसेसरीली बी द फंडामेंटल पीरियड। मतलब पीरियड तो है लेकिन उससे छोटा भी पॉसिबल हो सकता है जब भी एलसीएम से निकालते हैं। तो अब वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था। अब वो चेक करने का तरीका देखो कैसे चेक करेंगे। वो ये है कि अगर हम पाई से छोटा कुछ भी, उसका मींस कोई उसका फ्रैक्शन जैसे पाई बाय टू, पाई बाय थ्री, पाई बाय फोर ऐसा कुछ ले, तो उस पर भी रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप ये देखो, पहले उसके आधे पे चेक किया हमने, अब एक्स को एक्स प्लस पाई बाय टू से रिप्लेस कर दें तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू का मॉड प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू का ये मॉड। अब साइन पाई बाय टू प्लस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का मॉड आ गया। और कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इसका मॉड। अब देखो क्या ये और ये सेम है, क्या ये भी सेम है, क्योंकि जो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम आई गई, और जैसे भी बताया था कि मॉड साइन एक्स लो चाहे मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स लो, ये वाले भी क्या आएंगे, दोनों इक्वल वैल्यूज आएंगी। यानी कि ये जो हमारे पास में निकल के आया ये एफ एक्स के इक्वल ही निकल के आया, यानी कि पाई बाय टू भी इसका पीरियड है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू करने पर हमारे पास एफ एक्स ही आता है, सेम वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, सेम वैल्यू निकल के आएगी, तो इसका मतलब ये एफ एक्स के इक्वल है, तो ये भी इसका पीरियड है। बट क्या अब ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है, तो उससे और छोटे पे चेक करेंगे। यानी अभी हमने पाई बाय टू, जैसे हमारे पास पाई तो आ ही गया था, तो हमने पाई का आधा पाई बाय टू चेक किया, पाई बाय थ्री, पाई बाय फोर, पाई बाय फाइव, मतलब हमारे को तब तक चेक करते जाना है जब तक ये एफ एक्स के इक्वल नहीं आए। जब तक इक्वल आ रहा है, जैसे भी हमने पाई बाय टू किया, अब ये सोच के देखो कि अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय थ्री करेंगे तो अब भी क्या वो इसके इक्वल आएगा क्या। अब इसको भले आप सॉल्व मत भी करो, ये तो ओरली सोच सकते हैं। ओरली कैसे सोच सकते हैं कि भाई इसमें तो क्या हुआ था, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कॉस थीटा बन गया था, यहाँ पे पाई बाय टू प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा बन गया था, इस टाइप का बन गया था ये, ठीक है। लेकिन पाई बाय थ्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप अगर यहाँ पे कर भी दोगे साइन ऑफ पाई बाय थ्री प्लस एक्स करोगे, पाई बाय थ्री प्लस एक्स, तो वो तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो इसके इक्वल तो आने नहीं वाला वाला वो, तो ये तो करने की जरूरत नहीं, माइंड में सोच सकते हैं। तो मतलब पाई बाय थ्री पे तो नहीं आएगा, नहीं आया तो मतलब अब ये इसका, अब इसके बाद इससे छोटे पे नहीं आएगा। मतलब जब पाई बाय थ्री पे रिपीट नहीं हुआ, पाई एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू पे जब रिपीट हो गया, मतलब ये सेम आ गया, इससे छोटा हमने चेक किया पाई बाय थ्री पे नहीं हुआ, तो उससे कम पे आ ही नहीं सकता फिर। बात समझ भाई? तो यानी कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड टी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो पाई बाय टू है, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखो इसमें हो सकता है आपके दिमाग में आए कि अगर हमारे को ऐसे ही चेक करना है बार 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 बार, कि अब एक बार हमने एलसीएम तो निकाल लिया, अब एलसीएम निकाल के बार बार क्या हमें हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि वो फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है, और फिर उससे छोटी छोटी वैल्यू में से चेक करते रहेंगे क्या। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एलसीएम से आपके पास पीरियड आ गया, बट दैट नीड नॉट नेसेसरीली बी द फंडामेंटल पीरियड। यानी हमारे उससे कम भी कुछ हो सकता है, हमारे को चेक करना पड़ता है, लेकिन पेपर में आप हर क्वेश्चन में चेक मत करने लग जाना। चेक कहाँ कहाँ पे करना है अब वो सुनो, हर क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आए, ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आए, जैसे साइन और कॉस है, टैन और कॉट है, सिकेंट और कोसिकेंट है, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मतलब यानी कि जैसे आपने साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स या साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स किया, तो साइन वाला क्या बन जाता है, कॉस में बन जाता है, सिमिलरली कॉस वाला साइन में बदलता है, ठीक है, वो प्लस साइन से या माइनस साइन से डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। सेम क्या होता है, टैन और कॉट में भी क्या होती है, इंटरचेंजिंग होती है पाई बाय टू पे और थ्री पाई बाय टू वालों पे, मालूम है सभी को भाई, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ रखी है, ठीक है। सिमिलरली सिकेंट और कोसिकेंट, ये भी क्या होते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनमें भी क्या होती है, इंटरचेंजिंग होती है। तो जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का कुछ हमारे पास में आए, ठीक है, मतलब ये टैन एक्स और कॉट एक्स में इंटरचेंजिंग होती है, सिकेंट और कोसिकेंट में होती है, सारे क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, साइन और कॉस में भी इंटरचेंजिंग होती है, तो
जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ जाए एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ वहीं पर क्या हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये पाई बाय टू प्लस एक्स हमने किया था तो साइन वाले से तो कॉस आ गया, कॉस वाले से साइन आ गया, अल्टीमेटली वही वाला फंक्शन बन गया। यही बात टैन और कॉट में भी आ सकती है, यही बात सीकेंट और कोसेकेंट में भी आ सकती है। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा होता साइन एक्स का मॉड होता प्लस यहाँ पे टैन एक्स का मॉड होता, ठीक है, तो साइन एक्स के मॉड का पीरियड कितना था, पाई था, टैन एक्स के मॉड का पीरियड अगर निकालोगे वो भी पाई निकल के आएगा, तो एलसीएम भी पाई आया। अब ऐसा नहीं कि उसे छोटे पे चेक करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं चेक करने की, बिकॉज ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पाई बाय टू करने पे वो वाला इसमें बदल जाएगा, वो वाला इसमें बदलेगा, बदलेगा नहीं तो किसी और में बदलेगा, समझ में आई बात सबको। तो मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम चेक करते फिरेंगे, कुछ नहीं करना, बस ध्यान तब रखना है जब कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए। अब मान लो एक साइन का आ जाए, एक लॉग का आ जाए, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, लॉग तो पीरियोडिक नहीं होता, खैर कुछ और एग्जांपल, मान लो साइन एक्स होता और कुछ कॉस टू एक्स हो जाता, सपोज नहीं कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मान लो कुछ हमारे पास में सीकेंट टू एक्स होता, तो वो भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आपस में नहीं है, तो मतलब वहां पे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं पर ध्यान रखना है जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ जाएं, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो हमने एलसीएम से निकाला है क्या उससे छोटे वाला भी कोई पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वही फंडामेंटल बन गया, ठीक है, बाकियों में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई सभी को। अब इसका दूसरा मेथड भी एक ग्राफ से समझाता हूं मैं आपको, कि ग्राफ से भी इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए देखो सबसे जो बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है वो तो ग्राफ ही है, कि अगर फंक्शन आसान है तो आप उसका ग्राफ बना पाओगे जल्दी से, ग्राफ बना पा रहे हैं तो ग्राफ से ऑब्जर्व कर लेंगे भाई कितने के बाद में रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर फंक्शन थोड़ा सा लेंदी आ गया, मुश्किल आ गया, तो फिर ग्राफ से सोचना मुश्किल होता है, इसलिए फिर वो ग्राफ वाला मेथड इतना अच्छा और अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता, अगर फंक्शन लेंदी आ जाए बढ़ा आ जाए। बट ये तो आसान क्वेश्चन, मतलब आसान सा फंक्शन है, तो इसमें आप दूसरा मेथड ग्राफ से भी कर सकते हो। तो ग्राफ से कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलो सेकंड मेथड ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ्स तो हमने भाई बहुत सारे बना रखे हैं, बहुत सारे सीख रखे हैं, इसमें तो सिंपल आप वैल्यूज की हेल्प से ही कर सकते हो। देखो जीरो के ऊपर साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो होता है वन, यानी कि जीरो के ऊपर तो इसकी वैल्यू वन आएगी, ठीक है। उसके बाद में मान लो यहाँ पर हमने थोड़ा सा दूर बना देते हैं, पाई बाय टू, यहाँ पर पाई, फिर आगे थ्री पाई बाय टू, फिर टू पाई एंड सो ऑन, सेम इधर की तरफ भी माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस टू पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा जीरो के ऊपर तो वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो के ऊपर वैल्यू आई वन, पाई बाय टू के ऊपर, पाई बाय टू पे साइन की वैल्यू वन, कॉस की वैल्यू जीरो, यानी पाई बाय टू के ऊपर भी इसकी वैल्यू वन आ रही है। अच्छा बीच में कहीं देखें, मान लो पाई बाय फोर पे देखें, पाई बाय फोर पे साइन की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय रूट टू, और उसका मॉड भी वही और कॉस के भी वही वैल्यू, एलसीएम वही आ गया, तो कितना आ गया, टू अपॉन रूट टू, यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू। तो रूट टू तो वन से बड़ा होता है भाई, 1.414 होता है, तो यानी कि इसके ऊपर वैल्यू रूट टू आ गई। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से भाई शेप जो है थोड़ा सा कर्वेचर कैसा भी हो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। सेम बात आगे पाई के ऊपर वैल्यू देखो, साइन पाई होता है जीरो लेकिन कॉस पाई होता है माइनस वन, और उसका मॉड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से ये वन आ गया, ठीक है। लेकिन बीच की वैल्यू देखें, मान लो आपने थ्री पाई बाय फोर लिया, थ्री पाई बाय फोर अगर लेते हैं तो थ्री पाई बाय फोर पे साइन की वैल्यू तो वन बाय रूट टू ही आएगी, ठीक है, उसका मॉड वही आ गया। कॉस की वैल्यू आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट है थ्री पाई बाय फोर, कॉस की वैल्यू आएगी माइनस वन बाय रूट टू, लेकिन उसका मॉड कर रखा है तो मॉड करने पे फिर से ये जो आ जाएगा ये इसी टाइप से वही सेम आएगा, इसका मॉड तो वही आ गया, तो यानी अगेन ये कितना आ गया, रूट टू, तो फिर से ये रूट टू तक गया और वापस ये कितना आ गया, वन। सेम आगे है थ्री पाई बाय टू, यानी कि 270 डिग्री, थ्री पाई बाय टू पे साइन की वैल्यू होती है माइनस वन, कॉस की वैल्यू जीरो, मॉड गया, फिर से ये तो वन आ गया। बीच की वैल्यू मान लो यहाँ पे आपने फाइव पाई बाय फोर ली, ठीक है, फाइव पाई बाय फोर मतलब ये वाली वैल्यू ये लिया, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू भी माइनस वन बाय रूट टू, कॉस की वैल्यू भी माइनस वन बाय रूट टू, माइनस माइनस आ जाएंगे दोनों के, लेकिन मॉड करेंगे अगेन वही ऐसा ही आएगा। फिर से आगे करोगे वही सेम फिर से बन जाएगा, ठीक है, उसके आगे भी वही सेम बनेगा, इससे पहले करेंगे तो वो भी इसी टाइप का बनेगा, इससे पहले वो भी इसी टाइप का, अगेन इसी टाइप का, ये जो है इसका फाइनली ग्राफ बनता है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का। तो आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो। अभी हमने जो पहला मेथड किया था उसमें क्या किया, पहले हमने एलसीएम निकाला, बट एलसीएम वाले मेथड से क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल पीरियड आए,
और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो उसमें तो चेक करना ही पड़ेगा कि उससे छोटा भी कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर हमने पाई बाय टू पे चेक किया, पाई बाय थ्री पे तो ऑलरेडी सोच लिया था तो पाई बाय टू उसका फंडामेंटल पीरियड आ गया था। ठीक है, ग्राफ वाला मेथड क्या है कि ग्राफ में आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई उससे छोटे पे चेक नहीं करना, ग्राफ में तो रेपिटेशन देख के मालूम पड़ जाता है। ग्राफ देखो ये कितने के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट तो हो ही रहा है और पाई बाय टू के बाद में रिपीट हो रहा है, तो यानी कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, पाई बाय टू इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया। समझ में आई बात सबको? तो ग्राफ वाला मेथड तब यूजफुल होता है अगर फंक्शन आसान हो, जिसका हमारे को देख के लगेगा ग्राफ तो आसानी से बना लेंगे, इसका ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, अगर वैसे कोई बड़ा फंक्शन आ जाए तो फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही हमारे को प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज ग्राफ बनाने में टाइम ज्यादा लग सकता है। समझ में आई बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय थ्री। सिंपल सा है, इसका पीरियड निकालना है, आप इसका निकालो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय थ्री प्लस टेन ऑफ एक्स बाय टेन। ये इसका तो उम्मीद है अब तक निकाल लिया होगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, टू पाई, टू पाई डिवाइड बाय इसका कोफिशियंट यानी डिवाइड बाय वन बाय थ्री। ठीक, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, सिक्स पाई, खत्म हो गया। इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए चलो मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, आपके पास में 30 सेकंड सफिशिएंट है, 30 सेकंड्स में निकाल दो, जल्दी से निकाल दो क्या आएगा इसका फंडामेंटल पीरियड। हाँ जी, निकाल लिया, इसका कितना आएगा, इसका पाई अपॉन वन बाय टेन, इसका तो अभी निकाला ही है, वो तो सेम ही है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड सिक्स पाई है, इसका फंडामेंटल पीरियड टेन पाई है। आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ टी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ सिक्स पाई एंड टेन पाई, इन दोनों का एलसीएम निकालना है भाई, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों का एलसीएम, सिक्स पाई और टेन पाई का एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, पहली बात तो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, एलसीएम पॉसिबल है या नहीं है। प्रॉपर्टी बताई थी कि एलसीएम पॉसिबल भी तो होना चाहिए, एलसीएम पॉसिबल कब होता है, जब दोनों टर्म सेम टाइप की हो। सेम टाइप की कैसे चेक कर सकते हैं, देख के मालूम पड़ रहा है वैसे तो, अदरवाइज किसी को भी किसी से डिवाइड कर दो, सिक्स पाई को टेन पाई से डिवाइड करो, सिक्स पाई को टेन पाई से आप डिवाइड करोगे, क्या रैशनल नंबर आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम निकालने का तरीका तो सिंपल है, आप तो सिंपली सिक्स और टेन का एलसीएम निकाल लो, आगे पाई लगा देना, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30, तो आंसर आ गया 30 पाई। ठीक है, ये इसका पीरियड आया है, पीरियड, फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है यहां पर समस्या है, क्योंकि एलसीएम से जब भी निकालते हैं तो क्या निकलता है, पीरियड होता है, बट दैट नीड नॉट नेसेसरीली बी द फंडामेंटल पीरियड। अब ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है तो कायदे से तो हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, इसका आधा 15 पाई, फिर मतलब 2 से डिवाइड कर दें, फिर 3 से डिवाइड कर दें, बट इसमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है क्या, यहाँ पे साइन और कॉस दिख रहा है क्या, या टेन के साथ में कॉट दिख रहा है क्या, नहीं, तो जरूरत ही नहीं है। जो ये जो हमने आंसर निकाला है फंडामेंटल पीरियड भी यही है, यही फाइनल आंसर है। बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस एक्स बाय टू का फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट आप ये करो तब तक मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये निकालना है इसका, उम्मीद है अब तक कर लिया होगा, ये तो सिंपल है। इसका फंडामेंटल, सॉरी इसका पीरियड कितना आएगा, फंडामेंटल पीरियड ही आएगा 1/5। रीजन क्लियर ही होगा, इसका 1/1/2 यानी कि इसका कितना, 2। अब इन दोनों का एलसीएम, 1/5 और 2 का एलसीएम ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या? अब याद करो जो पिछले लेक्चर में रूल्स टू फाइंड एलसीएम बताया था कि अगर दोनों नंबर रैशनल है तो एलसीएम हमेशा ले सकते हैं। अब 1/5 और 2 का एलसीएम कैसे लें अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता हो, बाय चांस उम्मीद है सबको आता होगा। ठीक है, अगर किसी को एलसीएम लेने में समस्या हो तो देखो
इसके दो तरीके हैं। एक तो आप भाई सिंपली ये सोच लो कि 1/5 कितना होता है भाई, 0.2 होता है, तो 0.2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, फिर 1.2 एंड सो ऑन, और इसके मल्टीपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 2 ही आ गया, ठीक है, ये तो वैसे सोच सकते हैं। दूसरा, फिर भी अगर किसी को कुछ समस्या हो तो आप क्या किया करो, एक और इसका तरीका, आप तो क्या करो, ये 1/5 और 2 ऐसे लिखा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता 1/5 प्लस 2 लिख, प्लस 2 या माइनस 2 लिखा होता, आप क्या करते, ऐसे एलसीएम लेते, ये 1 लिखते फिर 10 लिखते, तो आंसर आ जाता आपका 11/5, ऐसा ही करते ना। अब थोड़ी सी बस इसमें लिखने में हमारे को चालाकी करनी, क्या करना है, आप एलसीएम ही ऐसे ले लो इसको 5, जैसे इसमें लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 आया, बीच में कॉमा, ठीक है, कॉमा, प्लस या माइनस नहीं लगाना, वो तो है ही नहीं, ये हो गया 10, ठीक। अब क्या करो, इन दोनों का ले लो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10, इसको एज इट इज रहने दो, 5 इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 2, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या किया, एलसीएम की तरह ही इसको लिया, बस बीच में कॉमा, प्लस माइनस नहीं, कॉमा, कॉमा, इसका एलसीएम लिया, ठीक है, इसका एलसीएम 10 आ गया, और इसको इससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे इसमें 1/5 है, ये 2/1 है, तो आप क्या करो, इन दोनों का तो आप एलसीएम ले लो, और इन दोनों का आप एचसीएफ ले लो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स आएगा 2, HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा, 1, ऐसा भी सोच सकते हैं। मैथमेटिकली ये है, ये अपना देसी तरीका बन गया, ठीक है, मैथमेटिकली किसी को लेकर लगे नहीं सर ये क्या बात हुई, तो ठीक है बात बना देते हैं। क्या करो, जो भी फ्रैक्शन, इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, 2/1 लिखा, आप क्या करो, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स कर देना, ओवरऑल का आपके पास में LCM आ जाएगा, ठीक। तो अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है, LCM ऑफ T इज इक्वल टू LCM ऑफ 1/5 एंड 2, आंसर आ गया 2, ठीक है। अब LCM से ये निकाला है, क्या ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं, यहाँ पे कोई साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री टाइप नहीं है, इसमें तो जो आ रहा है वही फंडामेंटल पीरियड है, बात समझ में आई सबको। इसका देखो, ये तो कल शायद एग्जाम्पल ही लिया था, ये तो सिंपल है बड़ा, इसका फंडामेंटल पीरियड 1, इसका 2π, 1 और 2π का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम नहीं ले सकते, एक रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, रैशनल और इरैशनल का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हम बोल रहे कि भाई क्या इसका कुछ, इसका फिर फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं होगा, यानी कि किसी फिक्स इंटरवल के बाद में इसकी वैल्यूज रिपीट करेंगे ही नहीं। सो सिंस एलसीएम इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस फंक्शन या fx इज नॉन पीरियोडिक, या इसको ए पीरियोडिक भी बोलते हैं, बात समझ में आई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कितने हो गए, 9 हो गए, नेक्स्ट लिखो 10। 10th क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू x अपॉन रूट 2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस x अपॉन रूट 3 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है, और नेक्स्ट भी लिख देते हैं यहाँ पर, आप तब तक ये करते रहो, सिंपल क्वेश्चन है, x अपॉन रूट 2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस एक्स अपॉन रूट 8 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, एक्स अपॉन रूट 8 का फ्रैक्शनल पार्ट। उम्मीद है फर्स्ट वाला तो आपने कर लिया होगा, यानी कि 10th वाला, ये तो आपने कर लिया होगा। अब करना क्या, देखो इसका पीरियड कितना है, 1 डिवाइड बाय 1/√2, यानी कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, √2। सिमिलरली इसका फंडामेंटल पीरियड √3। अब हमें क्या करना है, √2 और √3 का एलसीएम लेना है, √2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, √6 होगा क्या, जिनका √6 आ रहा है सरासर गलत है, एलसीएम गलत है, क्यों भाई, ये 2 और 3 थोड़ी है जिनका एलसीएम 6 बन जाएगा, और रूट लगा दे तो √6 बन जाएगा, √2 और √3 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। रूल्स टू फाइंड एलसीएम बताया था, रूल्स टू फाइंड एलसीएम में क्या था कि अगर दोनों नंबर इरेशनल आ जाएं, देन देयर एलसीएम एग्जिस्ट्स इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप अगर देख के पता नहीं चले, आपको लगेगा तो सेम टाइप आएंगे, एक √2 एक √3 है, सेम टाइप है, तो सेम टाइप नहीं है,
कैसे मालूम पड़ेगा? इसको इससे डिवाइड करो, किसी को किसी से भी डिवाइड कर दो, रूट टू अपॉन रूट थ्री किया, क्या ये रैशनल नंबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मतलब एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, एलसीएम निकाल ही नहीं सकते हैं। अब फिर भी अगर किसी का मन नहीं माने कि नहीं सर मन में तो यही ख्याल आ रहे हैं कि रूट टू और रूट थ्री का एलसीएम तो रूट सिक्स ही होना चाहिए, मन तो यही कह रहा है, तो आपका मन गलत कह रहा है। अपने मन को काबू में करो। देखो एक और तरीके से समझो इसको, रूट टू के मल्टीपल्स क्या होंगे? रूट टू, टू रूट टू, थ्री रूट टू, फोर रूट टू, इसी टाइप के एंड सो ऑन, इसी टाइप के मल्टीपल्स बनेंगे भाई इसके तो। और रूट थ्री के मल्टीपल्स क्या होंगे? रूट थ्री, टू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, फोर रूट थ्री एंड सो ऑन। कुछ कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, कॉमन मल्टीपल ही नहीं है, लीस्ट कहाँ से आएगा भाई? ये तो रूट टू के मल्टीपल्स बनेंगे, ये 1.4142 एंड सो ऑन डॉट 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 ऐसा कुछ नंबर है, फिर उसको टू से मल्टीप्लाई किया, थ्री से, फोर से, ये क्या है 1.732 ऐसा कुछ नंबर है, इरेशनल नंबर, उसी के ही मल्टीपल्स आ रहे हैं, कोई कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आई? इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डायरेक्ट तरीका बता रखा है। दोनों नंबर इरेशनल हों तो एक को दूसरे से डिवाइड करके देख लो, अगर रैशनल नंबर आ रहा है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं आ रहा तो एलसीएम नहीं निकाल सकते, बात खत्म। तो मतलब अब ये ओवरऑल ये फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। अगेन ये फंक्शन पीरियोडिक है ही नहीं, नॉन पीरियोडिक या ए पीरियोडिक। क्लियर सभी को? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से दिमाग लगा लो, टाइमर नहीं चलाते, 10 सेकंड में कर दो जल्दी से, 10 सेकंड में, मैं साथ साथ यहां पे करता रहता हूं। इसका पीरियड रूट टू, इसका पीरियड रूट एट, तो अब क्या ये भी नॉन पीरियोडिक होगा? क्या एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा? जिनका आंसर आ रहा है कि एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, सरासर गलत है, एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा भाई? रूट एट तो कितना है? टू रूट टू होता है, तो एक तो रूट टू है, एक टू रूट टू है, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ गया 1/2, वो तो रैशनल नंबर है, या उल्टा भी कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करो, टू रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर आता है यानी एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम तो आ ही गया ना, एक रूट टू है, एक टू रूट टू है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही आ गया, टू रूट टू आ गया, तो यानी कि ये तो पीरियोडिक है और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा? टू रूट टू आएगा। बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट पे आते हैं, कितने हो गए 11, 12th लिखो। चलो 12th है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड निकालना है, और सिमिलरली एक और लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड निकालना है। अब इसको भी दो तरीके से सोच सकते हैं, तो ग्राफ से ही सोच सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर है तो इसका ग्राफ तो सिर्फ ऊपर की तरफ ही बनेगा, ऊपर ही बनेगा, तो यानी कि इसका पीरियड कितना आ जाएगा? पाई, ग्राफ से सोच सकते हैं, ठीक है। वैसे साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होता है वो देखो वो ऐसा बनता है, ये ध्यान रखना कि मॉड साइन एक्स का और साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ सेम नहीं होता, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। इसमें क्या होता है साइन एक्स के मॉड में, ये यहां पर ये क्या होता है, ये चोंच चोंच बनती है, चोंच किंक, इंग्लिश में किंक, हिंदी में चोंच, ये ऐसे शार्प कॉर्नर सा बनता है यहाँ पे। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स में ये क्या होता है, थोड़ा सा गोलाई में ऐसी इसकी शेप निकल के आती है, ठीक है। ये अब हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये तो हमें भी कभी मान लो आ जाए, सोचना पड़ जाए कि क्या कैसा ग्राफ बनेगा, तो हमें थोड़ी ना मालूम पड़ेगा कि चोंच बनेगी या गोलाई में बनेगा, सब मालूम पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वैसे आगे आएगा कि कैसे पता चलेगा कि किसमें शेप कैसी बनती है, कहाँ पर चोंच बनती है, कहाँ पर गोलाई बनती है, ये आगे आएगा। बट अभी के लिए वैसे ग्राफ से सोच सकते हैं, आपको तो फंडामेंटल पीरियड सोचना है अभी, तो जितना अभी तक हमने सीखा है फंडामेंटल पीरियड भी इतना सोच सकते हैं ना कि ऊपर की तरफ ही बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा तो पाई का ये इसका है, पाई के बाद रिपीट होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। ये जीरो है, ये पाई है, फिर ये आगे टू पाई है एंड सो ऑन, तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई है, तो ग्राफ से हो गया, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ग्राफ से ही सोच पाओ, कोई मान लो थोड़ा सा और थोड़ा मुश्किल फंक्शन आ जाए, बड़ा फंक्शन आ जाए, तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ पावर आ जाए, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर फोर हो, कुछ भी हो, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ पावर में आ जाए, देन ऑलवेज कन्वर्ट इंटू मल्टीपल एंगल्स, ऑलवेज कन्वर्ट इंटू मल्टीपल एंगल्स। सेकेंड मेथड सीखो इसका, देखो सेकेंड मेथड मतलब क्या है कि इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है। मल्टीपल एंगल का मतलब ऐसे ये x है, x को 2x में, 3x में, 4x में, जो भी अप्रोप्रिएट हो डिपेंडिंग अपॉन पावर क्या है,
स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर एक्स को देखो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस साइन क्यूब एक्स होता, सपोज क्वेश्चन ऐसा आता, तो साइन क्यूब एक्स को साइन 3x वाले फॉर्मूले से कर सकते थे, कैसे, कि भाई साइन 3x तो क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हम लिख देते 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और फिर डिवाइड बाय 4 भी नीचे आ जाता, ये बाय 4 दोनों में अलग अलग कर देते हैं, ऐसा बन जाता। तो मतलब मल्टीपल एंगल, ये साइन क्यूब एक्स था, ये तो एक्स में ही रहा, ये मल्टीपल एंगल वाली भी एक टर्म आ गई, तो मतलब उसमें चेंज करके उसको सॉल्व करें। चलो ये भी नया क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको नेक्स्ट कर लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा अब ये एफ एक्स क्या आ गया, ये हो गया 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये तो कॉन्स्टेंट है, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इसका ये 1/2 भी कॉन्स्टेंट है, फर्क पड़ता नहीं है। कॉस 2x का पीरियड कितना होगा, कॉस 2x का पीरियड होगा पाई, तो आंसर क्या है भाई, पाई आ गया। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको 13th की जगह पे इसको हम 14th कर लेंगे, इसको ये नया क्वेश्चन ही बना दिया हमने। चलो साइन क्यूब एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ठीक। तो अब देखो साइन 3x के फॉर्मूले से हमने साइन क्यूब एक्स की वैल्यू रख दी, अब इसका पीरियड तो कितना है 2π, ये कॉन्स्टेंट से फर्क पड़ता नहीं, इसका पीरियड 2π, इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड आएगा 2π/3, 2π और 2π/3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, 2π/3 के मल्टीपल्स करोगे, ये कितना ऐसे सोच सकते हो 120 डिग्री 360 डिग्री है, तो मल्टीपल यही बनेगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना है 2π ही है, और इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री टाइप नहीं है कि आपको दोबारा से कोई छोटा एलसीएम लेके लिया है तो उससे कोई छोटा लेके सोचना है कि नहीं सोचना, एलसीएम से जो निकाला है कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं है इसके अंदर, तो मतलब यही फंडामेंटल पीरियड है, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका, साइन क्यूब एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 2π ही होता है। बात समझ में आई सभी को। 14th ये तो अपने आप कर दोगे, अभी तो सिंपल है, ये तो इतनी सी जगह में ही कर देते हैं जल्दी से। एफ एक्स इज इक्वल टू, ग्राफ से भी सोच सकते हैं भाई, ग्राफ सिर्फ ऊपर बनेगा तो माइंड में सोच सकते हैं पाई आएगा, देखिए मालूम पड़ रहा है, अदरवाइज मल्टीपल एंगल में चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + cos 2x / 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 + cos 2x / 2, तो इसी टाइप का ही है, ये बस यहाँ पे माइनस था उसमें प्लस है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्स्टेंट से कुछ फर्क पड़ता नहीं, ये 1/2 कॉन्स्टेंट से फर्क पड़ता नहीं, कॉस 2x का पीरियड कितना आएगा पाई आएगा, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है पाई। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मैं एक और लिखता हूँ, आप दिमाग लगाना, तब तक मैं बाकी का बोर्ड रब कर दूंगा। कितने 14 क्वेश्चंस हो गए, 15th क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपको फंडामेंटल पीरियड निकालना है, ठीक है। सोचो जब तक मैं बोर्ड रब करता हूँ। हाँ जी सोच लिया, जिनका आंसर आ रहा है पाई सरासर गलत है, और जिनका आंसर पाई नहीं कुछ और आ रहा है वो सोच रहे होंगे कि यार पाई कैसे आ सकता है। तो देखो अब किसी ने अगर ये दिमाग लगाया कि अभी किया था साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड तो पाई होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड अभी निकाला था पाई होता है, एलसीएम लोगे पाई आ जाएगा, फिर सोचें कि कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो फिर पाई बाई टू में भी सोचना पड़ेगा, तो पाई बाय टू में अगर करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू जब करोगे तो साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में तो फिर आएगा पाई बाय टू। किसी ने ऐसा दिमाग लगाया कि नहीं यार पाई बाय टू आएगा आंसर मेरा, पाई बाय टू आ रहा है, मैंने तो फालतू दिमाग लगा दिया, सही लगाया है लेकिन आंसर ये भी सही नहीं है, दोनों गलत है, पाई भी गलत है पाई बाय टू भी गलत है। क्यों गलत है, अरे भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हमेशा वन होता है, इतना दिमाग काहे को लगाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा वन होती है, तो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है क्या, हाँ पीरियोडिक तो होता है बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, तो क्या एफ एक्स पीरियोडिक है, येस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया सभी को, नेक्स्ट लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, इसका पीरियड निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाओ,
तब तक मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, आप सोचते रहो। वो जो अभी किया था कि अभी मैंने सीखा था कि जब भी कोई बड़ी पावर आ जाए तो हमेशा मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करके हमारे को सोचना चाहिए, तो वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी पीरियड निकालना हो तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो हायर पावर वाले क्वेश्चन को। तो अब साइन स्क्वायर एक्स तो अभी सीखा था, इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2x / 2, लिख सकते हैं भाई। कॉस की पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + cos 2x / 2, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 1/2 - cos 2x / 2, इसमें स्क्वायर एक्सपैंड कर दें तो a² + b² + 2ab करेंगे, तो 1 + cos² 2x + 2cos 2x / 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो ये 1/2, इसको भी अलग अलग कर दें, 1/2 और 1/4 तो मिला करके बन जाएगा कितना 3/4 - cos 2x / 2 प्लस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 + cos 8x / 2 और बाय 4 इसमें पहले से तो बाय 8 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो एज इट इज इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसल होगा, तो ये बनेगा cos 2x / 2, ये बना, ये तो कैंसिल हो गई टर्म। अच्छा ये 3/4 और ये 1/8 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको ऐड कर देते हैं, 3/4 और 1/8 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये 8 एलसीएम आएगा, तो 6 + 1 = 7/8, तो ये वाली टर्म बनेगी। ठीक है, इसको यहाँ पर ये कितना आ गया cos 8x / 8, ये एज इट इज़। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में fx सारा सॉल्व करके आ गया 7/8 + cos 8x / 8, ये तो कॉन्स्टेंट है फर्क पड़ता नहीं, ये 1/8 कॉन्स्टेंट है कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसका पीरियड कितना आएगा cos of 8x, यानी 2π/8 कर देंगे, 2π/8 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये cos 2x है तो सॉरी यहाँ पर cos 4x आएगा, ये करेक्शन कर लो भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये क्या होगा cos 4x आएगा, ये भी cos 4x आएगा, तो यानी 2π/4, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड आएगा कितना आ जाएगा π/2 आएगा। समझ में आई बात सभी को? ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, 17th क्वेश्चन लिखो, 17th लिखो, fx = x (1/x), इसका फंडामेंटल पीरियड बताना है। सोचो, दिमाग लगाओ, तब तक मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। सोच लिया, अब जिनका आंसर आ रहा है कि भाई x से x तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, वो तो हमने सीखा है कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, तो आंसर आ गया पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, तो ये गलत है। रीजन भाई, ये बात तो सही है कि ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, लेकिन क्या 1 सभी पे आएगा क्या, ये एक पॉइंट को छोड़ के 0 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो मतलब अब इसका ग्राफ जो अगर आप देखो 0 के ऊपर जो है 1 के ऊपर ही ओपन, ये ऐसे आ रहा है, हॉलो सर्कल आ रहा है और ऐसे बन रहा है, तो ये इसकी ग्राफ की शेप आई। क्या ये सेम शेप अब रिपीट हो रही है किसी इंटरवल के बाद? क्या ये शेप आ रही है कहीं, रिपीट हो रही है क्या? रिपीट ही नहीं हो रही, कहीं दोबारा से ऐसा आ रहा है क्या कि दोबारा से ऐसे ये ओपन ऐसा कुछ बन जाए, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद में फिर आ जाए, ऐसा होता कुछ तब तो होता कि हाँ सेम टाइप का रिपीट हो गया, अब तो नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक ही नहीं है, दिस फंक्शन इज ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, दिस फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। बात समझ में आई सबको? क्योंकि ये x से x तो कैंसिल होगा प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0, भाई x तो 0 हो ही नहीं सकता ना, 0 से 0 कैंसिल थोड़ी कर सकते हैं, 0 इसकी डोमेन में नहीं है। अगर आपसे पूछें कि fx की डोमेन बताओ, तो fx की डोमेन क्या है, डोमेन इज r - 0, तो 0 पे तो ऐसा आएगा। बात समझ में आई सबको? ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। यहाँ पर
ये जेई एडवांस्ड के टाइप में ऐसी गलतियां होती हैं कि उसमें ऐसा कुछ किसी ऑप्शन में दे देते हैं कि क्या इसका ये फंक्शन पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, या मैट्रिक्स मैच टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन की दिखने में छोटा सा है लेकिन है थोड़ा दिमाग वाला। चलो एक और इसी टाइप का मैं आपको और देता हूँ। अब बताना है आपने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो फिर इसका पीरियड कितना है, फंडामेंटल पीरियड कितना है इसका। ये सोचने के लिए आपके पास 30 सेकेंड है, लगाओ दिमाग, सोचो। हाँ जी क्या आ रहा है, फिर से वही आ रहा है कि पीरियोडिक नहीं है, यही सेम कॉन्सेप्ट, बट अब आंसर है कि ये पीरियोडिक है। अच्छा पीरियोडिक है तो फिर इस फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड, नहीं इसका फंडामेंटल पीरियड है पाई। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या बात हुई, अब बात यूं हुई कि ये साइन, ये वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसको साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, वन आ जाएगा, ठीक है। बट अगेन इसकी डोमेन, कोसिकेंट की डोमेन क्या होती है, साइन की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती है, कोसिकेंट की जो डोमेन होती है वो होती है आर माइनस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यही होती है भाई। एन पाई पे डिफाइंड नहीं होता ना ग्राफ, उसका कैसा बनता है वो बाल्टी जैसा बकेट शेप ग्राफ होता है, एन पाई पे डिफाइंड ही नहीं होता, तो एन पाई पे डिफाइंड नहीं है। चाहे तो आप इसको वन अपॉन साइन एक्स लेके भी सोच लो, अगर आप इसको वन अपॉन साइन एक्स से भी सोचोगे तो वन अपॉन साइन एक्स जाना पे जीरो का वो डोमेन में नहीं आएगा, साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, एन पाई पे। तो एन पाई के ऊपर क्या होगा, ये जीरो बनेगा, मतलब ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड बनेगा, कोसिकेंट इज नॉट डिफाइंड एट एन पाई, तो मतलब एन पाई के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो वहां वहां पे इसकी जैसे ये गोला आ जाएगा छोटा सा, लेकिन बाकी सब जगह पे तो इसकी वैल्यू वन आएगी, तो इसका जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। अब जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो ये जीरो, ये क्या है, ये पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है, एंड सो ऑन, ये माइनस पाई है, ये माइनस टू पाई है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, जैसे इसमें तो क्या था कि एक ही जगह पे डिफाइंड नहीं था, बाकी सब जगह पे ऐसा आ रहा था, इसमें क्या है कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है लेकिन उतने ही इंटरवल के बाद दोबारा से डिफाइंड नहीं है, सेम दोबारा रिपीट हो रहा है, सेम दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये सेम शेप रिपीट हो रही है, तो मतलब दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड इज आई। आई बात समझ में, तो ऐसा कुछ अगर हो जब कैंसिल हो रहा हो और देख के लगे कि अरे तो कांस्टेंट बन गया, बड़ा आसान सा आ गया, ध्यान रखना इतना आसान नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19th क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। ये पहले आप अपने आप ट्राई करो, आपके पास इसको करने के लिए 2 मिनट का टाइम है, पहले आप खुद सोचो फिर मैं बताऊंगा।
हाँ जी, लगाया दिमाग। चलो देखना आपने सही सोचा या नहीं। अब देखो, इसमें आप ये मत सोचने लग जाना कि देखो इसका पीरियड तो 2π है, इसका पीरियड 2π/3 है, तो इसका एलसीएम ले लें। तो वैसे अगर सोचोगे तो इसका एलसीएम 2π आएगा, सेम नीचे वाले का भी आएगा। तो एलसीएम तो 2π आ गया, ठीक है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। अच्छा, फिर हम ये दिमाग लगा लें कि हमें क्या सोचना कि कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है। फिर हम ये दिमाग लगाएं कि यार जब न्यूमरेटर 2π के बाद रिपीट हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 2π के बाद रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड करने पे भी तो रिपीटेशन वाली वो सेम ही वैल्यू आएगी। जब सेम भाई 2π के बाद ये सेम वैल्यू दे रहा है, ये भी सेम वैल्यू दे रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। तो फिर इसका इंटरवल, तो इसका जो पीरियड है वो तो 2π होना चाहिए। बात सही है, लगा सकते हैं ऐसा दिमाग, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड हो कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपने क्या एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो फिर आपको 2π का आधा पाई पे सोचना पड़ेगा कि f(x+π) लेके सोच लो। कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, हो जाएगा उस मेथड से भी कि f(x+π) लेके देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ गया तो फिर π/2 पे भी लेके देखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा मतलब उसका जो भी उसके हाफ 2π का आधा पाई लिया, फिर 2π/3 या 2π/4 यानी π/2 उस पर भी लेके देखना पड़ेगा। ठीक, 2π/3 पे तो आएगा ही नहीं, π/2 पे लेना पड़ेगा अगर अगर उस पर आ गया तो। ठीक, एक तो ऐसा दिमाग लगा सकते हैं। दूसरा थोड़ा आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यह कि इस पर sin C + sin D वाला फॉर्मूला लगा दो आप। sin C + sin D का फॉर्मूला तो क्या होता है, 2 sin C + D / 2 cos C - D / 2, यानी -x बनेगा, बट cos ऑफ -x तो cos x ही होता है, डिवाइड बाय cos C + cos D, 2 cos C + D / 2 cos C - D / 2। तो ये आएगा cos ऑफ -x, बट cos ऑफ -x तो cos x ही होता है। 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, ये कितना आ गया tan 2x, सिंपल सा आ गया। अब tan 2x का तो हम निकाल सकते हैं भाई इसका पीरियड कितना होता है, tan x का पीरियड कितना होता है, पाई। अब tan x का पीरियड तो पाई होता है, तो tan 2x का पीरियड होना चाहिए π/2, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। रीजन, π/2 इस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है। कैसे भाई? ये फंक्शन जो हमने लिया है जहां पर डिनोमिनेटर 0 बनेगा वो तो इसकी डोमेन में नहीं है, और π/2 पे कॉस कितना होगा, 0, और π/2 पे ये भी क्या बन जाएगा, cos 3π/2, वो भी 0। तो यानी कि आपने कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेंगे, डिनोमिनेटर 0 ही बनेगा, बिकॉज कॉस की टर्म्स आ रही है। तो मतलब बट ये जो हमारे पास में π/2 आया, बट π/2 cannot be the function, the fundamental period of this function, because the domain of this function, domain of f is equal to r - 2n+1 × π/2, where n belongs to integer। अब अगर π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब इसकी डोमेन में ही नहीं है, जब डोमेन में ही नहीं है तो फिर इसका पीरियड कैसे आ सकता है? ठीक है, पीरियड कैसे आ सकता है? तो मतलब क्या है कि अगर आप इसका ग्राफ देखो, π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है ना ये, तो अगर आप इसका ग्राफ ध्यान से देखो, ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, ग्राफ इसका बनाने के लिए चलो यहाँ बना देते हैं। ये tan 2x बना है कुल मिला के, इसको सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली tan 2x बना लें। tan x तो हमारे को मालूम है ऐसा होता है, तो tan 2x भी ऐसी शेप आएगी, बस वो कॉन्ट्रैक्टेड शेप होगी। कॉन्ट्रैक्टेड शेप कैसी, कि भाई वो π/-π/2 से π/2 के बीच में वो जो इसका जो एक ऐसे लूप सा बनता है, वो -π/4 से π/4 के बीच में बनेगा भाई। तो यानी कि ये यहाँ पर तो कैसा आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा। उसके बाद में सेम शेप इसकी बनेगी π/4 से लेके 3π/4 के बीच में, लेकिन बीच में क्या आएगा, π/2 पॉइंट आएगा। तो π/2 पॉइंट पे अब ये जो है ये ऐसा तो जाएगा, लेकिन π/2 के ऊपर ये ऐसे आएगा, π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। और सेम बात जो है वो इधर भी होगी, इधर भी हम ऐसा बना दें। ये कितना आ गया यहाँ पर, इसको ये हो जाएगा -3π/4, और ये यहाँ पर -π/2 से ही जब ये पास होगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा। तो ये है इसका जो कुल मिला के इसकी शेप बनेगी, सेम इसके आगे सेम इसके पीछे बनेगा। अब देखो, 0 से लेकर के π/4 तक ऐसा बना, उसके बाद ऐसा आया, अब इसके बाद सेम आएगा। ठीक है, आगे थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं आपको वैसे बताता हूँ। आप इधर देखो, या ऐसा देख लो, ये क्या बनी है गोले, ये हॉलो सर्कल वाली गोले वाली शेप,
ये बिना गोले वाली, फिर गोले वाली, फिर बिना गोले वाली, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो इंटरवल कितना है, ये पाई बाई टू का है, ये कितना है पाई बाई टू का, कुल मिला के पाई हो गया। तो ये कुल मिला के इसकी शेप है और वही आगे फिर वो रिपीट होगी। तो इसका जो इंटरवल है, जो इसका पीरियड है, वो इसका पीरियड पाई बाई टू आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, पाई आएगा। अब फिर से दिमाग में बात आएगी कि सर हमें कैसे दिमाग में आएगी ये बातें। तो भाई बात ऐसी है कि जब आपने पाई बाई टू निकाला, पाई बाई टू निकाला, बट पाई बाई टू इसके डोमेन में नहीं है, तो आप उससे हायर वैल्यू यानी कि उसका मल्टीपल सोचोगे। पाई बाई टू का मल्टीपल पाई हो गया, तो पाई पे तो डिफाइंड है, पाई पे कोई समस्या नहीं है, तो बस वही आ गया। ठीक है, दूसरा एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, एक ये ग्राफ वाला है ही तरीका, ग्राफ तो खैर इसको सॉल्व करने के बाद ही बना। ठीक है, एक और तरीका जो पहले बताया था कि आप ये इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लो, फिर लॉजिक क्या लगाया कि भाई जब इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो डिवाइड करने में भी वैल्यू रिपीट तो होगी, डिवाइड करने में वैल्यू रिपीट हो रही है, तो भाई वो जो आ रहा था हमारे पास सब एलसीएम वगैरह लेकर के हमारे पास में 2π आ रहा था उस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड वैसा जरूरी नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर, इसका आधा आपने एफ ऑफ एक्स प्लस पाई लेके देख लिया, जब लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सेम आ जाएगा, सेम आ गया, तो मतलब पाई भी इसका पीरियड है। अब क्या उससे छोटा हो सकता है क्या, तो उससे छोटा आप क्या लोगे, 2π का आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो पाई आया, 2π/3 लेंगे, सोच के मालूम पड़ रहा है कि 2π/3 पे दोगा नहीं, फिर आप एक और लेके देख लोगे x plus π/2 पे सेम नहीं आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा कि ये पीरियडिक इसका जो है फंडामेंटल पीरियड ही पाई बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड है इसका, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट करते हैं, कितने 19 हो गए, लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन लास्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20th है, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f of 2 minus x is equal to f of 2 plus x and f of 20 minus x is equal to fx for all x belongs to R, then determine whether fx is periodic or not. If yes, then determine whether fx is periodic or not, full stop. If yes, comma, find its fundamental period. If yes, then find its fundamental period. ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन क्या है कि कोई फंक्शन है, डोमेन उसकी R है, कोडोमेन भी उसकी R है। ठीक है, फंक्शन नहीं दे रखा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, मेंस में भी आ सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि एफ फ्रॉम आर टू आर, ये क्या है, आर से आर पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेकिन फंक्शन ही नहीं दे रखा। अब अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे उसमें क्या था, फंक्शन दे रखा था, आपको कुछ भी कैलकुलेशंस करके आपको चेक करना था कि उसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, इसमें फंक्शन नहीं दे रखा। इसमें ये कह रखा कि वो जो भी फंक्शन है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन मतलब फंक्शन में कोई इक्वेशन दे रखी है कि f of 2 minus x is equal to f of 2 plus x, ये एंड ये फॉर ऑल x belongs to R, क्या है मतलब इसकी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो फंक्शन। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है वो कैसे पता चलता है, जब फंक्शन ही नहीं दे रखा तो कैसे पता चलेगा। आपको ये दिमाग लगाना है कि क्या f of x plus something is equal to fx है या नहीं है। अगर f of x plus something is equal to fx आ जाए for all x belongs to domain of f, जो कि इस केस में डोमेन तो ऑल रियल नंबर ही है, ठीक है, फॉर ऑल r ही हमारे को इक्वेशंस भी दे रखी हैं। ठीक है, अगर for all x belongs to domain of f, f of x plus something equal to fx आ जाए तो मतलब वो क्या है, वो फंक्शन पीरियोडिक है, और t फिर उसका क्या बन जाएगा, उसका पीरियड बन जाएगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t होगी वो फंडामेंटल पीरियड बन जाएगा, यही होगा। ठीक, तो अब देखो अब हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशंस जो दे रखी हैं इस फंक्शन में, फंक्शन तो दे नहीं रखा लेकिन ये कह रखा कि वो जो भी फंक्शन है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो अब हमारे को इन दोनों की हेल्प से ये सोचना है कि क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि नहीं, ये दिमाग लगाना है। ठीक, अब सुनो कैसे करेंगे। अब पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, पहली इक्वेशन है
एफ ऑफ टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन वन बोल देते हैं, आप चाहो तो अलग से लिख लेना, और इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं। अब अगर ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप x की जगह पे कुछ भी रखो, x की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 5 प्लस x रखो, ठीक है, कुछ भी रखो, सभी के लिए ट्रू होगा। तो अब देखो क्या करें, अगर हम x को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाय 2 माइनस x। अब आप सोचोगे कि ये क्यों किया भाई, हमारे दिमाग में कैसे आएगा? दिमाग क्या लगाना है कि हमारे को एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू एफ एक्स बनाना है। तो एफ एक्स कैसे बनाएगा? एफ एक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पे हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया टू माइनस एक्स से, तो उससे क्या होगा, टू माइनस एक्स क्या, तो एफ एक्स बन गया, तो यहां पे भी करना पड़ेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस टू माइनस एक्स। तो यानी यहां से हमारे पास आया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर माइनस एक्स, ये बना। अब समस्या आई, समस्या क्या आई कि मान लो ये सॉल्व करके अगर सपोज ऐसा आ गया होता एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर प्लस एक्स, तो ये तो बिल्कुल इसको रिजेंबल करता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ये कितना है एक्स प्लस टी, इस फॉर्म का बन गया, तो यानी टी हमारा कितना बन जाता, फोर बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये प्लस एक्स नहीं है, माइनस एक्स आया, तो भी सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसी फॉर्म का कुछ बनाना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग आ जाए, तो मतलब हमारे पास में वो जो समथिंग बनेगा वो उसका पीरियड बन जाएगा। बात समझ में आई? तो अब हमारे पास ये fx तो आ गया, लेकिन यहाँ पर f ऑफ 4 माइनस x है, तो अब क्या करो, fx की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में हमने पुट की, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, fx बनाया था, कि f ऑफ 2 माइनस x को हमने fx बनाया, तो उससे क्या हुआ कि fx की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ना अब इसके बाद लिख लेना, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ fx इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ fx इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, f of 20 minus x is equal to f of 4 minus x, ये बन गया। ठीक है, fx की वैल्यू ये पुट कर दी। अब फिर से दिमाग लगाओ कि क्या करें कि fx बने, fx बन जाए, ये छोटा नंबर है, यहां सोच लेते हैं, जैसे यहां पर क्या था, 2 minus x था, तो जब हमने x को 2 minus x से रिप्लेस किया तो 2 से 2 कैंसिल और fx बन गया था, तो ये 4 माइनस एक्स है, तो अगर आप x को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो 4 से 4 कैंसिल fx बन जाएगा। तो अब फिर से क्या करो, रिप्लेस x बाय 4 माइनस एक्स। अब किसी के दिमाग में अगर ये बात आई कि सर ऐसे कर सकते हैं कि x को किसी से भी रिप्लेस कर दें 4 माइनस एक्स से, भाई ये क्या है, दिस दीज इक्वेशंस आर ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप x की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 2 माइनस एक्स रखो, 5 प्लस एक्स रखो, कुछ भी रखो, सभी के लिए ट्रू है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो x को हमने रिप्लेस कर दिया 4 माइनस एक्स से, तो यहां पे क्या आ गया, 20 माइनस 4 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस 4 प्लस एक्स, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 16 प्लस एक्स, तो एफ ऑफ 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये वो बन गया जो हमारे को चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग बन गया। तो मतलब ये क्या आ गया, यही इसका पीरियड आ गया। तो पहली बात तो क्या पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन तो है। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड वेदर एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन और नॉट, तो आंसर इज कि यस एफ एक्स इज पीरियोडिक, एफ एक्स इज पीरियोडिक, और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है भाई, ये क्या आ गया 16 इसका पीरियड है। अब हो जो कि यार 16 पीरियड है, या 16 से छोटा क्या 8 करेंगे तो भी पीरियड बन जाएगा क्या इसका, मतलब क्या 16 का आधा अगर हम 8 करें कि फंडामेंटल पीरियड, तो इससे छोटा भी हो सकता है। अगर मन की तसल्ली करनी हो करके देख लो, आप x को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस 8 से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, मतलब बन ही नहीं पाएगा वो, तो मतलब कुल मिला के क्या वो वैसे बनेगा ही नहीं, मतलब तो ये 16 प्लस x बना है ना ये, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, t कितना आ गया इसका 16 ही आ गया, वो बनेगा ही नहीं, बनता अगर उसे छोटा बनता वो अपने आप सॉल्व करके आया था। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो अब ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो अब ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर मिला करके पीरियोडिक फंक्शंस कंप्लीट हो गया। तो अब आप पीरियोडिक फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक कुछ बच्चों की क्वेरी आती है बार बार कि सर बुक कौन सी फॉलो करें, तो देखो इसका जवाब ये है कि आपको थ्योरी के लिए, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस, चाहे आप जेईई एडवांस्ड, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, थ्योरी के लिए आपको मेरे लेक्चर नोट्स के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक,
जितना भी आप किसी भी किताब में पढ़ोगे वो सारा का सारा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आसान भाषा में सब कुछ मैंने कंटेंट दे दिया। थ्योरी के लिए आपको मेरे लेक्चर्स के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आई क्वेश्चंस करने के लिए, तो आप जहां पर भी पढ़ते हैं, आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली उन्होंने वहां पे अपना मटेरियल दे रखा होगा आपको, तो आपको वही अटेम्प्ट करना चाहिए फर्स्ट एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। रीजन सिंपल सा ये है कि आपको डाउट्स तो वही टीचर कराएंगे जिनसे आप पर्सनल जो है आप लाइव उनसे पढ़ रहे हो, या फिर आप जिस भी शहर में हो, आप कहीं पर भी हो, जिस भी टीचर से आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं आपको डाउट्स तो उन्हीं से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो वो मटेरियल कराएंगे वो ऑब्वियसली आपको वही डाउट्स उसके ही करा पाएंगे, वही साथ साथ कराएंगे ना वो। तो मतलब कहने का ये है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो आप वहाँ का मटेरियल सॉल्व करो, उसके बाद अगर मटेरियल के बाद अगर कुछ और मन में ख्वाहिश आए कि नहीं सर इसके बाद भी कुछ करना है, तो आपको उसी टीचर की गाइडेंस से ही बुक पूछनी चाहिए जो वो मीन्स जो किताब वो करवाएंगे, क्योंकि डाउट तो आपको वही टीचर कराएंगे ना जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहा, कोई ये कहे कि नहीं सर मैं तो किसी कोचिंग में जा ही नहीं रहा, तो मैं तो किसी और टीचर के टच में हूँ ही नहीं, मैं तो आपके लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हूँ, तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे, किसी ट्यूशन पे नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं या ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं उनसे, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस के लिए सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें ओनली क्वेश्चन है, अरिहंत की वजह से बहुत सारी बुक्स आती हैं। अरिहंत की ऑथर है एस के गोयल, उसकी ओनली क्वेश्चंस की बुक आती है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन करेक्ट वाले भी हैं, मोर देन वन करेक्ट वाले भी हैं, कॉम्प्रिहेंशन यानी हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या है, वो जेई एडवांस के लेवल तक या मेंस एडवांस दोनों के टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे, तो आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं। बट अगेन मेरा पहला आपको सजेशन ये है कि आप जो बुक मैं बोल रहा हूँ आप उस पर मत जाओ, जिस टीचर से आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, जिनसे आप डायरेक्ट टच में हैं, जिनसे आपकी रोज बात होती हो, तो आपको जो वो बुक कहें आप वही करो पहले, तो बिकॉज आपको डाउट तो वही टीचर, आपको टाइम उसी टीचर से लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले आप वो करो। स्टिल अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो जिसके पास ऐसी कोई मतलब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो किसी टीचर से नहीं पढ़ रहा, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ रहा है या सिर्फ मेरे लेक्चर पे डिपेंडेंट है, तो फिर आप ये बुक उठा सकते हैं। इसके अलावा और बुक्स आती हैं, सेंगेज की आती हैं, पीएसएन की आती हैं, बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं, बट मैंने आपको ऐसी बुक बताई है सेंगेज की। अगर आप कोई किसी से भी सुनोगे तारीफ सुनने को मिलेगी यार बड़ी अच्छी बुक है, बट आप किसी से ये पूछना कि किसी भी बच्चे ने सेंगेज की किताब खरीदी हो और उसको पूरा किया हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयरली ऐसा बच्चा मिलेगा। वो शुरू तो कर लेते हैं एक चैप्टर करने के बाद, दो दो चैप्टर करने के बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा दे रखा है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे भी उसके अंदर चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट में भी दे रखी हैं। तो पहली बात तो थ्योरी के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है। कुछ भी अगर कोई समस्या आए तो आप उसी लेक्चर को दोबारा देख लो, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो और उसी को आप दोबारा पढ़ लो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चंस के लिए जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप जिस भी टीचर से आप डायरेक्ट टच में हैं, जिनसे आपकी रोज बात होती हो, जो आपको वो मटेरियल करा रहे हैं या फिर जो बुक फॉलो करवा रहे हैं, पहले आपको वही करना चाहिए। अगर आप किसी टीचर से डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो फिर मैंने आपको एक बुक बताई है, आप ये वाले बुक फॉलो कर सकते हैं। ये बुक आपको अप टू जेई एडवांस तक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर देगी। ठीक है। इसके अलावा वैसे और भी कुछ बुक्स आती हैं, पीयरसन वगैरह और भी आती हैं, आप और लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने जो मुझे सबका निचोड़ निकाल करके जो एक कॉम्पैक्ट और अच्छी किताब है जिसमें अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैंने आपको वो बताई है। ठीक है। चलो अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, और एक इस चैप्टर का एक और टॉपिक बचा है इनवर्स फंक्शन, ये दो टॉपिक बच गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एक दिन छोड़ के आएगी नेक्स्ट वाली वीडियो, ठीक है, तो तब तक आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लो, इसके थ्योरी इसके क्वेश्चन सारे कर लो, रिवाइज कर लो, जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसके क्वेश्चन सब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।